भारत न्यूज 24, सच सबसे पहले। भारत न्यूज एसबीआई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वापस दो, वापस दो, वापस दो, ए लड़का बढ़ाओ, वापस दो, वापस दो, वापस दो, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से बाबरी मस्जिद की जमीन वापस लेने की हम लोग प्रोटेस्ट कर गए हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, शहीद करने के बाद उस पर जमींदोज कर दिए गए। आज तक किसी भी अपराधी को इसके लिए सजा नहीं मिली। आज 6 दिसंबर जो हमें शहादत के दिन बाबरी मस्जिद के लिए हम लोग इंसाफ पैदल इंसाफ पर निकाल रहे हैं। एसडीपीआई जिंदाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, संगी भंगी की सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये एसडीपीआई वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज पूछते हैं इनका मुद्दा क्या है। आज 6 दिसंबर है जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ब्लैक डे मनाया जाता है। यहाँ एसडीपीआई पटना के सदर नदीम अहमद से पूछते हैं इनका क्या मुद्दा है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, आज बाबरी मस्जिद आज के दिन शहीद की गई थी। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के तरफ से मैं नदीम आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मैं नदीम अहमद एसडीपीआई के पटना जिला अध्यक्ष होने के नाते आज 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, उसी के योम शहादत के दिन आज हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। तो बाबरी मस्जिद शहीद हो गई और मुजरिमों को सजा भी नहीं दिया गया है, क्या कहते हैं इसके बारे में? हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक तो हमारी मस्जिद जो बनी हुई थी उस मस्जिद को तोड़ा गया, जो लोग इसके दोषी थे आज तक उन्हें सजा नहीं मिली। मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उसके बाद अर्धनाथ आडवाणी, उमा भारती और यूपी के जो पूर्व सीएम, ये सभी लोगों ने मिलकर प्री प्लानिंग हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, शहीद हमारी मस्जिद हुई और दोषी आज तक जेल से बाहर हैं। इस पर बहुत सारी सेकुलर एसडीपीआई जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद पर इंसाफ करो।